पाता हूं जितना मुझे चाहिए। कितने लोग बैठे हैं आप में से? सेकंड सवाल, क्या आप उस घर में रह रहे हो जिसमें आप रहना चाहते हो? आप में से कितने लोग हैं जिस मकान में रहना चाहते हो उसमें रह रहे हैं? आजी बताइए सर, बताइए। मेरा सपना है मैं मेरे पापा के बनाए हुए घर में ही रहना चाहता हूँ, उसी में। बजाओ यार, ताली बजाओ, 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 ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। आजी और कोई? पापा की तीन स्कूटी को रखना चाहता है, जिंदगी में कमाऊंगा ही नहीं। जो पापा ने कर दिया ये मेरा ड्रीम, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। जी मेरा घर अपना हो, ये जो घर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा सवाल क्या है, क्या आप उस घर में रह रहे हो जिसमें आप रहना चाहते हो? यार माँ बाप को कौन खोना चाहता है? मेरा तो सपना मेरे माँ बाप पूरी जिंदगी में ना जाएं। क्या होता है? क्या नहीं होता ना? कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस धरती पे पॉसिबल है, यार हो सकती है। ऊपर वाले ने इंसान बना के भेजा है, बुद्धि जीव बना के भेजा है, हमें जीने के लिए भेजा है, जिंदगी जीने के लिए भेजा हमारे को। मैं उन बातों पे चर्चा करना चाहता हूं कि ऐसे मकान में हम रह रहे हैं क्या कि वो मेरी ख्वाहिशों का चॉइस का मकान है? आप में से कोई ऐसा हो सकता है? कोई एक तो, बाकी नहीं। नेक्स्ट, क्या आपके पास उतना बैंक बैलेंस है जितना आप चाहते हो? ये सवाल जो है आपके सवाल है, नोट कर लेना। और ये सारी चीजें हैं तो ये 20 मिनट बातें करूंगा, 20 मिनट के बाद आप जा सकते हो, जिंदगी में कभी भी कुछ जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ जी, क्या उतना बैंक बैलेंस है जितना आप चाहते हो? है आप लोगों के पास? खुद से सवाल। जी अंबानी के पास भी नहीं है। चाहना, चाहत कभी पूरी नहीं होती है, मैं समझता हूं। ड्रीम कभी पूरे होते हैं क्या? होते हैं, कभी भी ड्रीम पूरे नहीं होते, ड्रीम बढ़ते जाते हैं। लेकिन मेरा मतलब यह है कि जिंदगी में उतना तो होना चाहिए उस चीज की कमी ना महसूस हो। आप उसको लाइफ समझते हो क्या? उसको जिंदगी समझते हो क्या? कि बिजली का बिल भरते समय भी दिल दुखी होता है, मोबाइल का बिल भरते समय भी दिल दुखी होता है, किसी की शादी में जाते हुए शॉपिंग करते हुए भी दिल दुखी होता है, पॉकेट गवाही नहीं देती, और पहले दिन बच्चा बोला फीस की जरूरत है उसी दिन निकाल के ले बेटा। हम अपने लाइफ को अच्छी तरह समझते हैं, अच्छी तरह अपनी जिंदगी को समझते हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे पा रहे हैं वो भी हम जानते हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या दिया वो भी हम जानते हैं, और हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीते वो भी हम जानते हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होते हम। मैं ये नहीं बोलता हम धीरू भाई अंबानी बने, टाटा बने, बिरले बने, या उनके माफी बनना नहीं चाहते, लेकिन जिंदगी में इतना तो होना चाहिए यार कि पैसे नाम की कभी कमी ना आए। यार शॉपिंग करने जाए तो ये ना सोचना पड़े, बेटा बोले कि पापा मुझे ये चीज खरीदनी है, कपड़े लाने हैं, तो उसको ये ना बोले बेटा एक महीने रुक, सैलरी आने दे, बेटा इस बार तो थोड़ा सा सेटिंग हो गई, या किसी शादी में जाए, यार एडजस्टमेंट ना करके जिंदगी जीना पड़े, कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े लाइफ के अंदर, इतना तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? ड्रीम पूरे नहीं होते। आप अभी बोलो मैं तो अमेरिका का जाके पता नहीं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, लेकिन ड्रीम अचीव किए जा सकते हैं, ऐसे ड्रीम बनाओ, ऐसे ड्रीम की मैं बात करता हूं। हमारी चाहत है या नहीं? किस इंसान की चाहत नहीं कि मेरे पास बैंक बैलेंस हो? कुछ तो लिमिट होगी ना, लिमिट होती है कि नहीं होती? यार इतना तो होना चाहिए कि कमी ना आए पैसे की। वो जिंदगी किस काम की यार कि घर में अगर अचानक किसी को, खुदा ना करे किसी को अचानक कैंसर हो गया, तो पूरी जिंदगी उसको साल दो साल तीन साल वो जीता है तब तक सरकारी हॉस्पिटल में उसको लेके घूमते रहे। वो लाइफ किस बात की यार कि माँ बाप को कभी जिंदगी में हमारे को घुमाने का मौका नहीं मिला, उसको कभी ये भी नहीं मौका मिला कि चल उसको वैष्णो देवी घुमा के लेके आए।
हमने अपनी जिंदगी में एक अच्छी सी जिंदगी में कभी मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हम बोल देते हैं कि नहीं भैया जिंदगी बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है, मुझे कोई भी ड्रीम नहीं मेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, जिस मकान में रहता हूं वो मकान मेरे पिताजी का बनाया हुआ, मेरा खुद का बनाया हुआ, छोटा सा मकान है लेकिन बहुत अच्छा है, क्या जरूरत है गाड़ी की यार। आज भी लोग बोलते हैं कि यार गाड़ी क्या है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, चार टायर ही तो होते हैं, क्या होता है गाड़ी में, वही छत होती है, गाड़ी चाहे 2 लाख की हो चाहे 2 करोड़ की हो, का बात तो एक ही है ना, ये हम मानते हैं। लेकिन आज के इतने इतने बच्चे हैं ना, जब लग्जरी कारें निकलती है तो अपने बाप को बोलते हैं, बोले पापा देख, मम्मी देख, वो गाड़ी गई, ओडी गई। बच्चे बताते हैं हमारे को, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बच्चों को पता होता, हमें नहीं पता होता, बच्चों के ड्रीम होते हैं, बच्चा गुजरता है ना जब कहीं से तो बच्चे का सपना होता है, हर चीज को देखता है, काश ये मेरे पास। हमें तो अपनी बीबी भी, हम तो बीबी को भी नहीं पूछते तेरे को क्या चाहिए जिंदगी में, मौका ही नहीं है सेटिस्फेक्शन की जिंदगी, हमेशा सेटिस्फेक्शन की जिंदगी, भाई जो मिल गया ना उसमें चलाओ काम, जो मिल गया ना उसमें काम चलाओ। आज मौका आपके पास में यार, मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूं कि आज अगर आप चाहो जिंदगी में कुछ तो कर सकते हो। हुआ हमारे साथ में ये खड़ा नसीब का, मजाक नहीं करता, मैंने बोला था मैंने मजदूरी की मेरी लाइफ के अंदर, 22.5 साल फौज में नौकरी की है और आने के बाद फिर मैंने कहीं किसी के पास काम किया है, लेकिन आज 20 लाख रुपए, मैं धीरूभाई अंबानी नहीं बना, अनिल अंबानी नहीं बना, लेकिन आज मेरे घर में मेरे बेटे को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे बच्चे को नौकरी करने की जरूरत नहीं, मैं फौज से आने से पहले सोचता था कि मेरा बेटा फौज में लगवाऊंगा या मेरे बेटे को कहीं जॉब कराऊंगा, लेकिन आज बेटा जॉब नहीं करेगा, आज मुझे फकर है यार, आज मुझे फकर है कि आज 20 लाख रुपए लेता हूं, मेरे बेटे से पूछता बेटा क्या करेगा, बोला आप जो कर रहे हो वही करूंगा, आप जो कर रहे हो वही करूंगा मैं, और मेरे दोनों बेटे इसी में आएंगे, दोनों बेटे इसी में आएंगे। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, जिंदगी में नहीं समझेंगे ना तो दोस्त कुछ नहीं मिलने वाला, हमारा पर्पस क्लियर नहीं, क्यों आए हम यहां पे, क्या चाहते हैं, किस लिए आए, ये नहीं कि चल नरेंद्र जी जबरदस्ती ज्वाइन करवा दिया, कोई 15-10 हजार रुपए की लाइफ नहीं, कोई उसका मीनिंग नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, मकसद क्या है, क्यों आए यहां पे, इसके पीछे ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट, आप में से कितने लोग हैं, क्या आप देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, कितने लोग आप में से जो देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ जी, क्या आप वो कार चला रहे हैं जो आप चलाना चाहते हैं, एक बार सोचने की जरूरत है, क्या वो गाड़ी हम चला रहे हैं जिसको हम चलाना चाहते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो वो कार चला रहे हैं जिसको चलाना चाहते हैं, हाँ जी कौन भाई साहब बोल रहे हैं, हाँ जी सर बोलो, खड़े होकर बोलो, क्या बोल रहे हो, फौजी लग रहे हो मेरे को, क्या है टूटी सी, क्या चाहते हो मेरी दया तो सब पे ही है साहब, मेरी दया से कुछ हो जाए तो मैं तो ऐसे दया देता हुआ ही चलूं, है ना, चाहते हो कि नहीं, मेरे पास भी सर फौजी हो क्या आप, कमाल है यार, बड़ा कड़क फौजी है, मेरे पास भी सर मोटरसाइकिल, फौज में था तब ली थी, वो आज भी मेरे घर पे ही खड़ी है, सन 2007 में ली थी, आज तक बेचा नहीं उसको मैंने, और बेचूंगा नहीं जीऊंगा तब तक, मेरे पास भी है, लेकिन आज दो दो गाड़ियों में अलग बात है। अगला सवाल, क्या आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें आप पढ़ाना चाह रहे हो, कितने लोगों के बच्चे हैं आप में से, कि कितनों के बच्चे हैं जो जिस स्कूल में रियली में आप पढ़ाना चाहते हो उसमें पढ़ रहे हैं, आपकी च्वाइस है, च्वाइस है, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो आपकी च्वाइस नहीं दोस्त, मजबूरी पढ़ा रही है, मजबूरी है वो हमारी, हमारी च्वाइस कुछ हो रही है कि मेरा बेटा कहां पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, लेकिन उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो हमारी मजबूरी है। नेक्स्ट,
क्या आपकी समाज में वो इज्जत है जो आप चाहते हैं? इधर से किसने सवाल किया था मान सम्मान में? क्या इतना मान सम्मान चाहते हो जिंदगी में? कितना मान सम्मान चाहते हो कि मिले हमें? मैडम आप तो मुझे बात याद आ गई, मैडम ने से हाथ किए तब याद आ गई मुझे बात। देखे एक बार मनोज जी जैसे हमारे जैसे यार दोस्त थे, तो मनोज जी खड़े हो जाओ। तो मेरे को क्या है कि थोड़ा सा पार्टी वार्टी में जाने का मौका मिलता था, और मनोज जी मेरे दोस्त थे। मैडम बुरा नहीं मानना, मेरी आदत है थोड़ा सा ना, बुरा नहीं मानना। तो पार्टी वार्टी में जाते थे, तो मनोज जी ने बोला सर मुझे भी लेके चला करो ना, लेकिन थोड़े अलग टाइप के थे, देसी थे ये। और वहां अंग्रेजी पार्टियां होती थी, तो मैंने मनोज जी को बोला यार तू बेइज्जती करवा देगा वहां पे, क्या होता है एक वहां पे बड़े रईस लोग आते हैं पार्टी वार्टी। अब या मुझे समझ लो या मनोज जी को समझ लो, दोनों एक ही बात है। नहीं नहीं मनोज जी को बनाते हैं, मनोज जी नाराज हो जाए बोले गुरु जी आपने मेरे को ऐसे बना दिया, बाद में बोलेंगे। तो बोला यार वहां पे रईस लोग आते हैं, उनके तौर तरीके अलग होते हैं, अपने अलग सिस्टम होता है, तो वहां पे अगर आप जाओगे पार्टी में कुछ गड़बड़ हो गया तो वहां पे तो अलग ही होता है। अरे बोला कुछ नहीं यार आप तो हो ना, मेरे को बता देना कब क्या करना है, बोला खाली इशारा कर देना कब क्या करना है, इशारा कर देना मैं आपके इशारे पे चलूंगा। बोल ठीक है। तो वहां पे एक शादी में लेके गए, तो वहां पे टेबल वेबल लगे थे। तो पहले ऐसे ही कोई फंक्शन चल रहा था प्रोग्राम, तो मनोज जी की नजर तो वही टेबलों पे जहां खाना प्रोग्राम में दी नहीं, ये घूम फिर के देखे बेरुदरी नजर जाए। जैसे ही थोड़ा प्रोग्राम ढीला पड़े, फिर मनोज जी की कि ये प्रोग्राम कब शुरू होगा है ना, वो डोंगे भरे हुए बढ़िया गरम गरम नीचे से वो लग रहे, चूल्हे जल रहे, रसगुल्ले गरम गरम मनोज जी को हलवा वगैरह नजर आ रहा। तो मनोज जी की नजर मतलब कितनी भी कोशिश करे मनोज जी की नजर प्रोग्राम पे ना जाए, वो दूसरे प्रोग्राम पे जाए। तो बोला भैया कैसे करना है? तो मैंने मनोज जी को बता दिया कि देख मनोज जी जैसे ही खाना शुरू होगा तो मैं आपको इशारा करूंगा, आप समझ रहे हो ना, उस समय खाना खाना, ऐसा नहीं कि आप मेरी बेइज्जती करवा दो। तो बोला मैं आपको हल्के से ऐसे ये मार दूंगा, तो समझ लेना खाना स्टार्ट है। तो खाना शुरू नहीं हुआ तो भीड़ जो ना वो 10 मिनट के लिए निकलने थी कहीं बाथरूम उतरूम, ब्रेक नहीं होता है, तो 10 मिनट के बाद फिर प्रोग्राम शुरू होना था, उसके 1 घंटे बाद खाना ऐसा। तो भीड़ में मनोज जी को ऐसे लगी, वो लगते ही मनोज जी अपने टेबल पे गए, और जैसे मैडम ने बोला ना ऐसे मनोज जी ने बोला भाई साहब बोले इतना मेरा आप समझ रहे हो, मनोज जी ने पूरे टेबल को रोक लिया, बोला इतना मेरा। तो मैडम बोल रहे थे इतना मान सम्मान चाहिए, मान सम्मान चाहिए। नेक्स्ट, क्या आपके पास समय की आजादी है? किसने बोला था कि टाइम फ्रीडम? सर ने बोला था टाइम की आजादी। दोस्त पूरी जिंदगी गुजर जाती है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, हम अपनी जिंदगी में कभी भी ना तो खुद घूम पाते हैं ना अपने बच्चों को, काफी बार तो हमें टाइम मिलता ही नहीं है। क्या आप चाहते हो कि जिंदगी में आपके पास एक वक्त ऐसा आए कि अपने समय को आप अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सको, जहां दिल करे घूमने का घूमने जा सकते हो, अपने टाइम को अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सको, चाहते हो ऐसा? नेक्स्ट, क्या आपका परिवार स्वस्थ है? बिल्कुल सही है आपका परिवार। नेक्स्ट, क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप ना रहें तो भी पैसा आता रहे? है कोई ऐसा? कौन बोल रहे हैं जी बताइए? सर एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को पिछले 4.5 साल से कर रहा हूं, और आज मेरा 3 लाख लोगों का नेटवर्क है, मुझे नहीं पता कितने लोग आए कितने चले गए, कड़वा सच, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। और अमूमन ऐसा होता है कि जो चेहरे में देखता हूं ना अगली ट्रेनिंग में आता हूं, तो उसमें से 50% चेहरे गायब हो जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते किसी का। मैं वो बातें करूंगा अभी,
कि लोग आते हैं और जिंदगियां बदलती है, कुछ लोगों की जिंदगी नहीं बदलती है, वो आते हैं चले जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है? एस्लिपियस है तो फिर सबके लिए क्यों नहीं, फिर सबकी जिंदगी क्यों नहीं बदलती, सारे करोड़पति क्यों नहीं बनते फिर? नो डाउट है कि मैं भी बोल रहा हूं हमारी जिंदगी बदल रही है, महिपाल सर की जिंदगी बदल गई, शिव कुमार सर की जिंदगी बदल गई, आपके सामने आपके लीडर लगातार चेक ले रहे हैं, इनकी जिंदगी बदल रही है। एसलीपियस के अलावा कोई साधन है क्या आपके पास? है कि भाई एसलीपियस हम ना भी करें तो भी आज हम ऐसा काम करते हैं, या पहले से हमारे पास कोई ऐसा बिजनेस है कि हम जिंदगी में रहें या ना रहें, लेकिन हमारे बच्चों को कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी और पैसा हमारी जिंदगी में आता रहेगा, ऐसा कोई साधन नहीं है ना? सोचिए मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं बस आपको महसूस करना है क्या ये आपके पास है, और नहीं है क्या आप ये चाहते हो? अगर नहीं है तो क्या ये चाहते हो? ये क्या है? जिंदगी आपकी और सोच आपकी, ये दो रास्ते हैं दोस्त। ये सारी चीजें जो मैंने बताया, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, क्या ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, आपने जो पढ़ा है, क्या ये सब आपके पास है? ना। आवाज चाहिए सर, क्या आपके पास में है? चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? सारे लोग चाहते हो? तो जिंदगी आपकी, सोच आपकी, दो रास्ते हैं, कौन सा चाहते हो? इधर वाला और इधर वाले? आप इधर वाला चाहते हो? अभी जो कष्ट झेल रहे हैं वो अपने लिए अभी नरक हो सकता है, लेकिन आगे स्वर्ग होगा। वो अब खड़े हो, क्या चाहते हो? अभी जिंदगी का ही कह रहे हैं ना सर, कि आप क्या चाह रहे हैं? जो सर अभी जो जी रहे हैं वो एक तरह से काम करेंगे, कर रहे हैं जो नरक ही है, इसको अगर अभी अगर झेल लेंगे तो आगे स्वर्ग अपना। ये जो भी काम कर रहे हैं नरक मानते हो? लाइफ जी रहे हैं, ऑलरेडी जी रहे हैं, उसको वही है सर, कंप्रोमाइज की जिंदगी जी रहे तो वही है सर। जो भी काम कर रहे हो एसली बेस के अलावा ये बात करें तो अभी कौन सा रास्ता चाहिए? मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना। जाना तो कौन नरक में जाएगा सर, सब स्वर्ग में जाना जाएंगे। तो वही पूछ रहा हूँ, आप तो अभी भी बोलते सर इधर ही जाना चाह रहे हैं। ये कहने का मतलब नहीं था उनका, कहने का इधर तो अभी तक थे ही, इधर तो है ही नहीं, वो थे छोड़ दो यार, थे की जिंदगी क्यों जी रहे हो? अब क्या चाहते हो आप लोग ये बताओ ना, अच्छी जिंदगी जाना चाहते हो ना, अच्छी जिंदगी चाहते हो ना, मतलब वो गाड़ी हो जिसको हम चाहते हैं।